हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बार फिर बस 2 मिनट में बनने वाले नाश्ते की रेसिपी, थोड़े से अलग तरीके से बनाया हुआ फ्रूट सैलड सैंडविच की रेसिपी। बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही यूजफुल रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। फ्रूट सैलेड सैंडविच बनाने के लिए हमको चाहिए, सारी चीजों को बारीक हमने काट लिया है, तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, बारीक कटा हुआ प्याज। इस सैंडविच को हेल्दी बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ स्ट्रॉबेरी और बारीक कटा हुआ कीवी। इन इंग्रेडिएंट्स में आप अपने अकॉर्डिंग काफी फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप इस सैंडविच में सेब या अनार के दाने को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम वेज मेयोनी। अब इन सैलेड को चटपटा करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दें। ये लगभग आधे मिनट तक इसको रेस्ट करने देना और तब तक धनिया की तीखी चटनी तैयार कर लेनी है। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर ब्रेड स्लाइस का, तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के ब्रेड का इस्तेमाल किया है स्पेशली सैंडविच बनाने के लिए। मार्केट में बड़े साइज के ब्रेड भी मिल जाते हैं, दोनों में से आप कोई भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से इसके एजेस को काट के निकाल दें। तो मैंने सारे ब्रेड के एजेस को कट कर दिया है। अब ब्रेड स्लाइस को इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमको लगाना है हरी तीखी चटनी जो हमने तैयार की है, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चटनी थोड़ी सी तीखी है तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चटनी को इस तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने सैलेड तैयार किया था वो इस पर लगा देंगे। सैलेड को इस तरीके से सेट करने के बाद अब ब्रेड के दूसरे पार्ट से इसको कवर कर देंगे। हमारा फ्रूट सैलेड सैंडविच बनकर एकदम तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको कट करके भी टिफिन में रख सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों के टिफिन के लिए बस 2 मिनट में हेल्दी सैलेड सैंडविच तैयार कर सकते हैं। यह सैंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी है, एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके की और भी इजी टू कुक रेसिपी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हेल्दी सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। और भी इजी टू कुक रेसिपी देखने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के ऑन होने पर आने वाले भी और भी रेसिपी की वीडियो अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, और भी इजी टू कुक रेसिपी मैं लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।